आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। हमने बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी किंगडम है जिस पे बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम जान ले कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये दिया किसने था। तो ये जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट आर एच विटकर ने। ओके, किसने दिया था, साइंटिस्ट आर एच विटकर ने। अब यहाँ पर देखो तो साइंटिस्ट आर एच विटकर के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया पांच किंगडम्स में, और वो पांचों किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, दूसरा कौन सा है प्रोटिस्टा, ओके, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा दे रखा है क्या, फंजाई, चौथा हमारा हो जाएगा प्लांटी, ओके, चौथा हो जाएगा प्लांटी, एंड फिफ्थ किंगडम जो हमारा हो जाएगा दैट इज एनिमेलिया, ओके, एनिमेलिया। अब यहाँ पर बात करें इस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो विटकर ने बताया कि जो मोनेरा होते हैं इनको इन्होंने डिफरेंशिएट किया था इनके यूनिसेलुलर होने के बेसिस पे। ऑल्सो हम यहाँ पर देखें तो मोनेरा में हम रखते हैं किसको, बैक्टीरिया को, ओके। अब यहाँ अगर हम बात करें इनके फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो इसमें इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ओके, इन्होंने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे डिवाइड किया था। अब यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स इनके कौन कौन से हैं ये अगर देखा जाए तो इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स में आते हैं सेल बाउंड्री, ओके, क्या आती है, सेल बाउंड्री। दूसरी इनके डिफरेंट कैरेक्टर को अगर लेके दिया जाए तो ये इनका आता था शेप, इनकी बॉडी का शेप कैसा है। ऑल्सो इनके न्यूट्रिशन के टाइप पे इनको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, ओके। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आर एच विटकर थे इन्होंने बताया कि मोनेरा जो है इनके पास प्रेजेंट होती है क्या, सेल वॉल, ओके, मोनेरा के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हम जानते हैं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है, इनकी सेल वॉल होती है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाए थे, यानी इनके पास कोई भी सेल बाउंड्री नहीं थी। अब यहाँ अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई के भी पास क्या थी, सेल वॉल, और इनका जो सेल वॉल था ये बना था किसका, इनका सेल वॉल बना था काइटीन का, ओके, इनका सेल वॉल किसका बना था, काइटीन का। एंड प्लांटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्या, सेल वॉल, और ये सेल वॉल थी किसकी, सेल्यूलोस की, ओके। अब यहाँ अगर हम बात करें एनिमल्स की तो सेल वॉल तो नहीं होता था, लेकिन इनके सेल पर एक क्या पाई जाती थी, कवरिंग मेम्ब्रेन, ओके। अब यहाँ अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें चार ही ऑप्शन दे रखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी। तो अगर हम बात करें प्लांटी की तो इनके पास भी क्या था, सेल बाउंड्री थी, मतलब है सेल बाउंड्री से क्या, सेल वॉल। फंजाई के भी पास क्या था, सेल वॉल था, एंड मोनेरा के भी पास क्या था, सेल वॉल यानी सेल बाउंड्री थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो इनके पास कोई भी सेल की कवरिंग नहीं थी, यहाँ पर सेल वॉल या सेल बाउंड्री नहीं प्रेजेंट था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कौन से किंगडम में बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं थी, दैट इज ऑप्शन फोर। तो हमारा बाकी का ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।